हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हमारे पास ओनली 10 डेज रहते हैं, ओनली 10 डेज। बट जो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन लास्ट 10 डेज में आप 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने इंक्रीज कर सकते हो, एंड लिटरली दिस इज नॉट ए बिग डील। आप इजिली 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हो। आपका जो अभी स्कोर आ रहा है एंड जो आपका फाइनल एग्जाम में, जो आपका नीट पीजी का एग्जाम होगा, उसमें जो आपका स्कोर आएगा, उसमें आपको लिटरली अगर आप इन 10 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, इन 10 दिन में अगर अपना अच्छा एफर्ट डालते हो, तो ऑब्वियसली आपके 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं। उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए बस आपका अपना बेस्ट एफर्ट डालना होगा। और यार सिलेक्शन के लिए ना एक विल पावर होनी चाहिए, एंड अगर वो विल पावर आपके अंदर है, अगर आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली आपकी रैंक भी इंक्रीज होगी। अभी जितना स्कोर आ रहा है वो स्कोर भी इंक्रीज होगा। बस इन 10 दिन में रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो सोच रहे हैं उनको एंजाइटी होने लग जाती है, पल्पिटेशन होने लग जाते हैं। ये जो होता है ये सब एक विशेष साइकिल होती है। अगर इनके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते जाओगे, जितना डेप्थ में सोचोगे ना, उतना ही आप इसके अंदर ही जाते जाओगे, उतना ही ज़्यादा एंजाइटी, वो सब प्रॉब्लम आपको होती रहेंगी। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, क्या ये वो टाइम नहीं है जिसके लिए आप इतने दिनों से, एक साल से मेहनत कर रहे हो? क्या ये वो टाइम नहीं है जिसके लिए आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हो? एंड जब ये टाइम आ गया है, आप उस टाइम खुद को पीछे करने का सोच रहे हो, पीछे हटने का सोच रहे हो? यार लिटरली अगर इस टाइम पर तुम पीछे हटोगे ना, सच में दिस इज रियली वेरी वेरी शेमफुल। यहां पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। 10 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने एक वीडियो डाली थी जो मेरे ग्रैंड टेस्ट, जो मैरो के ग्रैंड टेस्ट के, जिसमें मैंने अपना स्कोर दिखाया था, उस वीडियो को देख लेना। लास्ट के 10 डेज 15 डेज, उन्हीं दिनों में मेरा जो मेजर चेंज आया था ना, वो उन्हीं दिनों में आया था। देन नेक्स्ट थिंग इज कि हमें लास्ट 10 डेज में कितने नंबर ऑफ आर्स हमें पढ़ना चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ आर्स हमें सोना चाहिए, क्योंकि जो स्लिप है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी हमारे पास जो 10 डेज हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 डेज एंड +2 डेज। सो जो आपके इनिशियल 8 डेज हैं, आपको फर्स्ट थिंग पढ़ना है, आपको 10 to 12 आवर्स तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड जो अब सेकंड थिंग आती है कि सोना कितना है, तो सोने के लिए जो आपके इनिशियल 8 डेज हैं, यहाँ पर आप 6 to 8 आवर्स, 6 आवर्स 7 आवर्स इतना सो सकते हो, ठीक है, इतना तो आपको सोना ही है। बट जो आपके लास्ट के जो 2 डेज हैं, वहाँ पर आपकी स्लिप भी मैटर करती है। टेक माई पॉइंट, आपकी स्लिप वहाँ पर मैटर करेगी, ठीक है। तो आपके जो लास्ट के जो 2 दिन है, वहाँ पर आपको मिनिमम 8 आवर्स तो सोकर ही जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं एग्जाम दे रहा था तो बहुत क्लिनिकल क्वेश्चन आ रहे थे, एंड वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मेरे को इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा था एंड मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, एंड उस टाइम मेरे को लिटरली नींद आने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि लास्ट के 2 दिन में आपको 8 आवर्स तो सोना ही है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। देन नेक्स्ट थिंग कि आपके जो 10 डेज है, इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट के 7 डेज में कोई भी ग्रैंड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो लिटरली आपने उतने ग्रैंड टेस्ट दे दिए हैं। अभी यहाँ पर 1 या 2 ग्रैंड टेस्ट देने से कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो आपका जो मेन जो होना चाहिए, यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करो, जो आपका सोर्स यूज कर रहे थे उस सोर्स को अच्छे से रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, जो आपने पढ़ा है वो लिटरली आपके काम नहीं आने वाला है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स का, आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जिन टॉपिक्स को आपको बार बार भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लास्ट ईयर था तो मैं अपने वोलाटाइल सब्जेक्ट्स जो थे, मेरे जो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स थे, उनको मैं लास्ट टाइम पर पढ़कर गया था। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, जो फार्मा मैं पढ़कर गया था लास्ट दिन मैं फार्मा पढ़ रहा था, एंड उस बुक से मेरे को 5 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मिल गए।
एंड ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसा कुछ मिल जाता है एग्जाम में, लिटरली वो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप करता है। एंड जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा था वो भी, उन क्वेश्चन को भी ठीक करने की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। सो आपके जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट है लाइक एनाटमी, पीएसएम, फार्मा, तो आपको वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स को लास्ट के कुछ दिनों में करना है, लास्ट के 4-5 डेज में करना है। देन सेकेंड थिंग कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट है कि सर मैं एमसीक्यू करूँ या कस्टम मॉड्यूल करूँ, तो उसके लिए भी सेम आंसर है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यू करने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने करने चाहिए, नोट्स को कितना टाइम देना चाहिए एंड एमसीक्यू कितना टाइम देना चाहिए, यहाँ पर आपका सारा टाइम मैक्सिमम नोट्स को ही देना है। अगर आपको ग्रैंड टेस्ट भी देना है तो मैक्सिमम 1 या 2, अभी जो 10 डेज है अभी इन 3 दिनों में कोई एक या दो ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो, बट लास्ट के 7 डेज में तो कोई ग्रैंड टेस्ट भी नहीं देना। देन नेक्स्ट थिंग, अगर आप अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अभी भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप में लगे हुए हो, अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम में लगे हुए हो, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, एक्चुअली में ये जो अपना कंसंट्रेशन होता है ना, इसको किल करती है, लिटरली ये किल करती है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो, मोटिवेटिंग वीडियो देख रहे हो, कभी कभी जरूरत हो जाती है, ठीक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम पर भी जो मोटिवेशन वीडियोज होती है वो मैं देख लेता था, मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेता था। बट थिंग इज कि आपको यहाँ पर अपना इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। एंड फाइनल थिंग जो मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूँ कि अपने नोट्स पर फोकस रखो, और उन्हीं नोट्स से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। जो आपके नोट्स होते हैं वहीं से ही जो टॉपिक होते हैं वही रिपीट होते हैं, थोड़ा सा बस लैंग्वेज में मॉडिफाई होता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ न्यू नहीं मिलने वाला है। सब आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये टॉपिक आपको आता है, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ाया तो आप उस क्वेश्चन को इजीली मार्क कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट, थैंक यू।